हेलो, आज मैं आप लोगों को कमर की प्लेट्स बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। मैंने बिल्कुल सिंपल साड़ी ली है डेली वेयर की, जो कि हम घर पे पहनते हैं। ना ये सिल्क की है ना ये कुछ और, बस ये डेली वेयर की सॉफ्ट फैब्रिक पे है। तो सबसे पहले हमने साड़ी पहननी है, जो कि फर्स्ट राउंड बेसिक होता है, जो हम फर्स्ट टक इन करते हैं। तो उसका जो कॉर्नर होता है, इसे हमें सबसे पहले एक नॉट बना लेना है, एक गांठ बना लेनी है। उसके बाद आपको जितनी लेंथ चाहिए उसके अलावा जो कपड़ा रह रहा है उसे आपको अपने पेटीकोट में टक कर लेना है। तो कुछ इस तरह आपको फिनिशिंग के साथ टक करते हुए जाना है। अपनी कमर का एक राउंड कंप्लीट करना है, जहां आपने पेटीकोट का बेल्ट बांधा है, हमें सिर्फ वहीं तक ही साड़ी को टक करना होता है। उसके बाद आते हैं, हमें शोल्डर का पार्ट लेना है इस साड़ी में से। तो आप जितना भी लंबा, पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको साड़ी किस तरह पहननी है। अगर फ्री पल्लू ले रही हैं तो पल्लू उतना ही बड़ा लें, अपनी नी से ऊपर तक का, ज़्यादा बड़ा नहीं। अगर आप सिर पे ओढ़ना चाहती हैं तो आप अपनी नी से नीचे तक भी पल्लू लेंथ में ले सकती हैं। अगर आप सिर्फ प्लेट्स बना के पल्लू नहीं लेना चाहती सिर पे, तो आप और भी लंबा ले सकती हैं। बहुत ही अच्छा लुक देता है, क्योंकि पल्लू की लंबाई जितनी होती है हमारी लंबाई भी उतनी ही अच्छी दिखती है। अब हम साड़ी का ऊपर वाला फैब्रिक लेंगे और कुछ इस तरह यहाँ पर एक छोटी सी सेफ्टी पिन बिल्कुल किनारे पर अटैच करनी है साड़ी से। दूसरा, हमें दो हाथ दूरी छोड़कर प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। प्लेट्स आप ज़्यादा बड़ी ना बनाएं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बनाने के चक्कर में बाकी की प्लेट्स छूट जाती हैं। और कुछ इस तरह जिगजैग करते हुए अपने फिंगर और अपने थंब की मदद से प्लेट्स को बनाएं। और ध्यान रखें कि प्लेट्स एक सिद्ध में हो, इक्वल हो। तो जब भी आप हर एक जिगजैग करें, हर एक साइड आप लें, तो वो थोड़ी सी हल्की सी ऊपर रखें। ऐसा करने से वो अपने आप बाकी में एडजस्ट हो जाएंगी और आपको प्लेट्स वहाँ तक बनानी है जहाँ तक कि आपका लास्ट पॉइंट ना आ जाए, जहाँ पर हमने साड़ी को पेटीकोट में टक करना स्टार्ट किया था। उसके बाद हम एक सेफ्टी पिन यहाँ लगा देंगे। ऐसा करने से ये जो हमारी प्लेट्स हैं ये बार बार इधर उधर नहीं जाएंगी, एक जगह सेट रहेंगी। और इन्हें कुछ झटकारते हुए हमें फुल लेंथ में लेना है कि ये फर्श को टच करती रहें, और उसके बाद इसे पेटीकोट में टक कर लेना। ऐसा ना हो कि आप प्लेट्स को कुछ ज़्यादा ही ऊपर कर लें, ऐसा करने से आपकी जो पेटीकोट है वो दिखाई देगा। सेकंड है, आपको यहाँ पर एक सेफ्टी पिन भी लगा लेनी है, क्योंकि ये जो प्लेट्स होती है कई बार चलते वक्त बाहर की तरफ निकल आती है चलने की वजह से। क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल साड़ी आज वेयर कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम हाथ से क्रीज बनाएंगे साड़ी में तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई क्रीज नहीं बनेगी। तो इससे अच्छा है कि इसको दो सेक्शन में लें, क्योंकि हमने इसमें एक कॉटन का फॉल लगाया हुआ है। तो कॉटन का फॉल लगाने से क्या होता है, हम कॉटन के फॉल में अगर प्लेट्स को एडजस्ट कर देते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक एक क्रीज ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी, जो कि ऐसा लगेगा कि हमने ये हाथ से या प्रेस से बनाई है। और ये बहुत ही अच्छी लगेंगी और बहुत ही अच्छा लुक देंगी। कुछ इस तरह सारी प्लेट्स को इक्वल करने के बाद हमें रफली इसे कुछ इस तरह जिगजैग करना है। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारे कॉटन का फॉल है उसमें एक क्रीज बन जाएगी, जिससे ये पूरी प्लेट्स में ऊपर से लेकर नीचे तक ऑटोमेटिक क्रीज बनेगी और ये बहुत ही अच्छा लुक देगी। आप चाहे तो फ्री पल्लू भी रख सकते हैं इस तरह, ये साड़ी बहुत ही अच्छा लुक देगी। पर फ्री पल्लू के लिए मैंने साड़ी में पल्लू को ज़्यादा लंबा लिया है। अगर आप फ्री पल्लू रखना चाहें तो आपको पल्लू नीचे थोड़ा ऊपर तक ही लेना होगा लेंथ में। अब बारी आती है शोल्डर की प्लेट्स बनाने की, क्योंकि इसमें बॉर्डर है, मीडियम साइज़ बॉर्डर है, तो मैं इसी साइज़ में प्लेट्स बना रही हूँ। ये प्लेट्स भी कुछ उसी तरह बनती हैं जिस तरह हमारी कमर की प्लेट्स बनती हैं, कुछ जिगजैग करते हुए। पर इसमें मेन ट्रिक ये होती है कि, या ध्यान रखने बात ये होती है कि जो नीचे नीचे वाला फैब्रिक होता है जिसमें फॉल लगा होता है, वो वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आता है, और जो हिस्सा हम साड़ी में टक करते हैं यानी वो वाली लेस हमारे शोल्डर के ऊपर यानी कि नीचे की तरफ आती है। कुछ इस तरह रफली प्लेट्स बनाने के बाद आपको ऊपर से लेकर नीचे तक हाथ की मदद से इन्हें इक्वल करना है, और इक्वल वहाँ तक करना है जहाँ हमें शोल्डर पर सेफ्टी पिन लगानी है। और जब भी आप शोल्डर पर सेफ्टी पिन लगाते हैं तो ध्यान रखें कि वो शोल्डर पिन ना हो के शोल्डर से थोड़ा नीचे की तरफ लगाएं। आपको प्लेट्स वहीं तक ही अरेंज करनी है जितनी की आपके बॉर्डर की चौड़ाई है। उसके बाद आपको सेफ्टी पिन लगा देनी है। और हमेशा जब भी आप ब्लाउज़ पहने हो तो थोड़ा टाइट पहनना चाहिए, फिटिंग का होना चाहिए, जिससे क्या होता है शोल्डर की प्लेट्स आगे की तरफ नहीं आती है, फ्रंट के हमारी प्लेट्स होती हैं वो इधर उधर ना जाए। तो इसलिए हम इनको थोड़ा
एक जगह इकट्ठा करके एक सेफ्टी पिन से अटैच कर दे। ऐसा करने से हमारी फ्रंट की प्लेट्स भी बहुत अच्छा लुक देती है और एक सिंपल सी साड़ी आपको थोड़ा अलग फील करवाती है। तो कुछ इस तरह से आपको आइडिया के अकॉर्डिंग छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है जो कि आपके बॉर्डर के अंदर आ जाए, और जो सबसे लास्ट वाली प्लेट रहेगी उसको थोड़ा अपने हाथ से अंदर की तरफ करते हुए वहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगानी है। ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट प्लेट है आप उसको पूरी अंदर ना ले, उसको थोड़ी बाहर की तरफ लेते हुए ही सेफ्टी पिन लगाएं, जैसे कि मैंने लगाई है। उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ी सी फिनिशिंग कर सकते हैं, इन्हें थोड़ा एडजस्ट कर देंगे तो इनका लुक ठीक हो जाएगा और ये अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी। आप चाहे तो इन्हें भी इकट्ठा करके यहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, बट घर पे इतनी पिन लगाना ठीक नहीं है। कई कई जगह ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे साइड वाले ये साड़ी का हिस्सा होता है ये नीचे की तरफ आता है, तो आप यहाँ पर भी एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, नहीं तो ऊपर की तरफ जहाँ भी मैं लगाने वाली हूँ आप यहाँ पर भी एक सेफ्टी पिन से अटैच कर सकते हैं। ऐसा करने से जो हमारे चेस्ट पे ये पल्लू रहता है ये बार बार नीचे की तरफ नहीं जाता है, ये एक जगह फिट रहता है। दैट्स इट, हमने साड़ी पहन ली है और जो हमारी कमर की प्लेट्स है वो भी बहुत ही फिनिशिंग से आई है। साड़ी पहनते वक्त हमें मेन बात ये ध्यान रखनी होती है कि जो हमने पेटीकोट पहना है वो ना तो साड़ी से ज़्यादा छोटा होना चाहिए ना ही ज़्यादा लंबा होना चाहिए, मीडियम साइज़ में होना चाहिए, और जो भी पेटीकोट है वो कॉटन का होना चाहिए। सेकंड ये कि आप जब भी साड़ी पहने तो फुल लेंथ में लें। बट अब मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि कई लेडीज़ को अपनी टमी छिपानी होती है, तो आप एक छोटी सी सेफ्टी पिन को अपनी साड़ी के और ब्लाउज से अटैच करके कुछ इस तरह अपनी टमी को हाइड कर सकते हैं। ऐसा करने से ये पल्लू बार बार इधर उधर नहीं जाएगा। नेक्स्ट मैं एक टिप और देना चाहती हूँ, कई प्रेग्नेंट गर्ल्स लेडीज होती हैं तो अगर आप साड़ी कमर वाला ये फैब्रिक लेकर और पल्लू का फैब्रिक दोनों को अटैच करके कुछ इस तरह सेफ्टी पिन लगाती हैं तो इससे साड़ी का लुक भी ख़राब नहीं होगा और हम हमारा प्रेगनेंसी टाइम में जो टमी बाहर आती है उसे भी हम आसानी से छिपा सकते हैं, क्योंकि फ्रंट में काफ़ी प्लेट्स होती हैं तो वो सारी प्लेट्स हमारे प्रेगनेंसी टाइम में जो हमारा पेट बाहर आता है उस चीज़ को कवर कर लेती। साथ ही साथ यहाँ पिन लगाने से क्या होता है, ये पल्लू बार बार इधर उधर नहीं जाता है। सो ये कुछ मेरे ट्रिक्स एंड टिप्स थे जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।